सो हेलो गाइस, नमस्कार, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप माइनक्राफ्ट के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हो लाइक स्मार्टी पाई एंड गेमर फ्लीट। बट यहाँ पे हमारा मेन जो टारगेट रहेगा वो रहेगा स्मार्टी पाई। सो स्मार्टी पाई अपने थंबनेल बनाता है पीसी पे, बट हम लोग बनाएंगे सेम थंबनेल फोन पे। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। सो हमारा फर्स्ट चीज है जिसकी हमें नीड है वो है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, जिसको आप प्ले स्टोर से इजिली डाउनलोड कर सकते हो। एंड सेकेंड, आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एंड थर्ड इज एक फोन होना चाहिए आपके पास। यार अगर फोन नहीं है तो आप किसमें करोगे ये सब चीजें। Emotional damage. So, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपके पास फोन हो गई। So, let's go, हम बढ़ते अपने ट्यूटोरियल की तरफ। सो फर्स्ट जो चीज आपको करनी है, आपको क्रोम खोलना है एंड उस पर सर्च करना है नोवा स्किन वॉलपेपर्स। तो मैं इसको पीसी पे कर रहा हूँ बिकॉज पीसी की स्क्रीन बड़ी रहती है तो आपको क्लियर दिखेगा। आप इसको फोन पे भी सेम डेस्कटॉप साइड ओपन करके कर सकते हो। सो स्मार्टी पाई अपने थंबनेल में 3D कैरेक्टर यूज करता है, इसीलिए हमें भी 3D कैरेक्टर्स बनाने हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए नोवा स्किन वॉलपेपर्स के एडिटर टैब में। एंड अब यहाँ से हमारे पास जो स्किन है हमें उसको इम्पोर्ट करना है। तो यहाँ मैं जाऊंगा ओपन पे, फाइल के आइकन पे, एंड यहाँ से मेरे पास जो स्किन है मैं उसको इम्पोर्ट कर लूंगा इस जगह पे, ताकि मैं उसको एडिट कर पाऊँ अच्छे से। तो देखो मेरे पास यहाँ पे मेरी स्किन आ गई है, मैं स्मार्टी पाई का बना रहा हूँ लाइक उसके जैसा, इसलिए मैं स्मार्टी पाई की स्किन लगाया। okay. अब यहाँ से मेरे को जाना है पोस्ट के सेक्शन में। यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, जस्ट मेरे को रैंडमली पे लिखा है ना वो रैंडम पोज, उस पे सिलेक्ट करके जाना है, करते जाना है, उस पे टैप करते जाना है। मतलब मेरे को जस्ट जो मेरे को फिर पोज अच्छा लगेगा मैं उसको चूज करके रखूंगा अच्छे से। तो यहाँ पे ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, 10 seconds later. तो ये पोज मेरे को अच्छा लग रहा है थोड़ा। तो मैं इसको अब मेरे को अगर इसको सेव करना है एज अ स्किन एंड एज अ स्क्रीनशॉट, तो मैं दोनों कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेव का आइकन है, मैं इस पे जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं कोई भी एक नेम दे दूंगा। मैंने यहाँ पे पहले से सेव करा हुआ इसलिए वो आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको उसी नाम से वापस सेव कर लेता हूँ। एंड अब मेरे को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेव स्क्रीनशॉट पे जाऊंगा एंड यहाँ से मैं राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ से सेव एज अ इमेज मैं इसको अपने फाइल के अंदर सेव कर लूंगा। डन, यहाँ पे मेरा पूरा प्रोसेस जस्ट इसको करने के बाद कंप्लीट हो जाता है। सो अभी हमारे पास एक 3D कैरेक्टर रेडी हो गया है स्मार्टी पाई के जैसा। एंड अब हमें चाहिए रहेगा अपना पिक्सआर्ट ओपन करना है, बिकॉज हमारे पास कैरेक्टर रेडी है। तो अब हम पिक्सआर्ट में जाके सब अलाइन करके एकदम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गो, चलते हैं पिक्सआर्ट में। सो यहाँ पे मेरा पिक्सआर्ट ओपन हो गया है एंड अब यहाँ पे मेरे को एक बैकग्राउंड या कोई भी कुछ ले लेना है, जस्ट मेरे को पिक्सआर्ट में एंटर करना है एंड यहाँ पे मेरे को टूल्स में जाने के बाद इसको क्रॉप कर देना है यूट्यूब थंबनेल के साइज का, जो कि 720x280 होता है। एंड यहाँ पे मेरे को अब ऐड फोटो में जाके अपनी फोटोज ऐड करनी है, पिक्चर्स जो भी मेरे को चाहिए होगा एडिटिंग के लिए। तो मैं फटाफट से इंपोर्ट करके आपको मिलता हूँ और आपको ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो भी यूज करूंगा। सो आप वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। 10 seconds later. So, यहाँ पे मेरे को जितनी भी चीजें चाहिए थी मैंने सब इंपोर्ट कर लिए एंड ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक स्काई इंपोर्ट किया, जो कि मेरे को लगाना है इसके बैकग्राउंड में सबसे, बिकॉज एक थंबनेल बनाने के लिए सब कुछ हमको अलाइन अच्छे से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको एक बैकग्राउंड में अच्छे से लगा लिया, एकदम सेंटर अलाइन करके मैंने इसको लगा दिया। एंड अभी यहाँ पे मेरे को एक बेस बनाना है, तो मैं यहाँ पे बेस का ये सब लिया है मैंने, एक यहाँ पे इमेज, इसको मैं यहाँ पे सबसे बैक में करके फिर मैं इसको थोड़ा आगे करके लगा दूंगा अच्छे से, ऐसे करके। ये आपको अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा, आप किसी को कॉपी में नहीं करना, आप खुद अपने हिसाब से सब एडजस्ट करना, तो वो आपका मतलब क्रिएटिविटी निकल के आएगा। फिर यहाँ पे मैंने एक स्मार्टी पाई का फोटो लिया है, जिसको मेरे को ना उसको क्रॉप करना पड़ेगा। तो पहले क्रॉप करके फिर उसको मेरे को कटआउट भी करना पड़ेगा, PNG बनाना पड़ेगा, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो सबसे पहले मेरे देखो यहाँ पे मैंने स्मार्टी पाई का कैरेक्टर ले लिया, यहाँ पे आप अपना कैरेक्टर भी लगा सकते हो, आपको मतलब अपने हिसाब से ही थंबनेल बनाना है। तो यहाँ पे मैं स्मार्टी पाई का पहले कटआउट कर लेता हूँ इमेज, बिकॉज इसके इमेज को मेरे को बॉर्डर्स भी लगाने हैं, इसलिए मेरे को कटआउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कटआउट में आगे पर्सन पे क्लिक कर दिया मैंने एंड देखो इसका बैकग्राउंड निकल गया। एंड यहाँ पे हमारा जो कटआउट हो चुका है एंड काफी अच्छा इमेज मेरे को एक मिल चुका है इसका PNG टाइप। एंड अब मेरे को यहाँ पे देखो मैंने ड्रैगन भी लिया है, ये जो यहाँ पे मैं स्मार्टी पाई लगा रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको अपनी इमेज लगाना है, बिकॉज आप अपने लिए थंबनेल बना रहे हो, मैं स्मार्टी पाई के जैसा बना रहा हूँ इसलिए मैं उसका यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्मार्टी पाई को लगा दिया एंड अभी जैसे यहाँ पे मैं सब कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ ना, आपको सब ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हो आप। मैं आपको जस्ट एक ट्यूटोरियल दे रहा हूँ कि ऐसे बनाया जाता है, आप अपने हिसाब से ही बनाना एंड अपना ही फोटो वोटो लगाना, बिकॉज आप अपने चैनल के लिए बना रहे हो ना, सो उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर लगा दिया यहाँ पे एंड अभी देखो कैरेक्टर को आपको ऐसे लगाना है कि वो लगे कि हाँ कुछ मतलब रियलिस्टिक वाइब आए उसमें। जैसे कि मैंने कैरेक्टर लगाया स्मार्टी पाई से डर के ड्रैगन उसको देख रहा है, ऐसे हिसाब से मैंने बनाया। तो अभी देखो मैं यहाँ पे हर्ट लगा दिया, बिकॉज मतलब उसको जैसे हम लोग एक इफेक्ट आता है ना माइनक्राफ्ट में, मारते तो हर्ट निकलते हैं, उस हिसाब से मैंने ये बनाने का ट्राई किया। सो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर तो लग गया एंड मैंने यहाँ पे स्मार्टी पाई को अच्छे से लगा दिया। ये थोड़ा ना आपको प्रॉब्लम देगा, मतलब पिक्सआर्ट में थोड़ा होता है लेयर्स बाय लेयर को टच करने में प्रॉब्लम होता है, वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, बिकॉज यार ये थोड़ा चीज़ है हेडेक वाला, बट आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो यहाँ पे मैंने क्लाउड भी लिया था, तो क्लाउड को मेरे को ना ऐसा लगाना है मतलब कि वो किसी के ऊपर ना आए एंड वो दिखे भी
आधा दिखे, तो मैं उसकी कैपेसिटी कम कर दूंगा एंड उसको सबसे बैक में फेंक दूंगा, मींस जस्ट ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर मैं उसको ले आया एंड मैंने उसकी कैपेसिटी 50-60% कर दी। तो अभी देखो वो एकदम ऐसा लग रहा है ना, ब्लरिश टाइप एकदम स्काई लग रहा है। एंड अभी इसको माइनक्राफ्ट को मेरे को जस्ट इसको बड़ा करके मेरे को इधर लगाना है। ये मैं अपने इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे कोई आप टेक्स्ट भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ कि टेक्स्ट कैसा लगता है। तो उस हिसाब से मैंने माइनक्राफ्ट को लिखा हुआ लगा दिया यहाँ पे, तो इसको आप कहीं भी लगा सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, हाँ यहाँ पे अच्छा लग रहा है ये। तो अभी देखो इसको मेरे को इसको ये जो मैंने ये स्क्रीन टाइप लिया था, मैंने ये स्पाइक्स लिए थे, मैं इसको स्क्रीन करके इसको बैकग्राउंड में लगा देता हूँ। तो देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, इससे ना थोड़ा मतलब एक अच्छा वाइब आता है थंबनेल के अंदर कि हाँ कुछ यूनिक सा लगता है, अच्छा लगता है, आपको स्पाइक लगाना चाहिए। एंड स्पाइक्स ना अभी काफ़ी ट्रेंडिंग भी है, तो आप लगाओगे ना तो क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा आपका, तो और क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा तो आपको पता है ये सब कुछ बेटर ही होगा ना। तो यहाँ पे आपको ना स्पाइक्स जो भी लगाने के बाद ना लेयर्स को बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यार मेन लेयर्स ही हमारी चीज़ें जिससे हम गेम खेल सकते हैं, बिकॉज लेयर्स ही सब कुछ है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने स्पाइक्स को एडजस्ट कर दिया, आपके कैरेक्टर के ऊपर नहीं आना चाहिए स्पाइक्स, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी यहाँ पे देखो सबसे पहले ना मैंने उसको लगा दिया एंड अभी मेरे को ना एक यहाँ पे ना शेडो चाहिए, तो मैं स्टिकर में गया पिक्सार्ट के एंड यहाँ पे मैं लिखा शेडो। तो यहाँ पे देखो मेरे पास सब शेडो हो गए, मैं सबसे जो सेकंड नंबर पे है ना ऊपर उसको लूँगा एंड यहाँ पे एक कैरेक्टर के नीचे लगा देंगे, इससे हमारी रियलिस्टिक वाइब बढ़ेगी, बिकॉज शेडो ऊपर से सन है तो नीचे शेडो आएगा ना। एंड डुप्लीकेट मार के उसको हम लोग एक अपने ड्रैगन के नीचे लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। एक और मेरे को चीज़ चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वापस जाके वहाँ पे ग्लो यहाँ पे, तो ये देखो ग्लो लिखा मैंने, यहाँ पे ग्लो आ गया। तो ये जो येलो वाला ग्लो है ये लेना सबसे वाला, बिकॉज इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब इसको हम अपने कैरेक्टर के पीछे डाल देंगे, जो हमारा इस माइनक्राफ्ट का जो कैरेक्टर है ना स्टीव का, उसके पीछे डाल देंगे हम। तो ये कैसा लगेगा, मतलब एक ग्लोइश इफेक्ट आएगा एंड अभी ग्लो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है थंबनेल में, तो आपको ग्लो ऐसे ही यूज़ करना है। एंड यहाँ पे उसको ज़्यादा आपको खेलने की ज़रूरत नहीं, आप उसको नॉर्मल तरीके से लगा दोगे तो भी अच्छा लगेगा। तो इसको आपको ऐसे ही करके लगा देना है एंड अपने कैरेक्टर का आपको स्ट्रोक देना है, मींस आपको अपने कैरेक्टर का बॉर्डर देना है। जो हमारा कैरेक्टर है मतलब स्मार्टी पाई या जो आप अपना फोटो लगाओगे उसको आपको स्ट्रोक देना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अभी एक और मेरे को ग्लो लेना है एंड ग्लो लेके ना आप अपने कैरेक्टर के पीछे भी डाल दो, तो उससे क्या होगा आपका कैरेक्टर जो पीछे का बैकग्राउंड है उससे थोड़ा अलग दिखेगा, तो उसमें भी अच्छा लगेगा। आप उसका कलर वलर चेंज कर देना जैसा आपको अपने हिसाब से सही लगेगा, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। एंड ऐसे ही ना फ्यू डेज पहले मैंने गेमर फ्लीट के ऊपर भी थंबनेल की वीडियो बनाई थी, सो आपको अगर वो देखना है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा एंड यहाँ पे ऊपर भी लिंक आ रही होगी तो आप देख सकते हो। उसमें भी मैंने बनाया सिखाया था कि आप कैसा गेमर फ्लीट के जैसा थंबनेल बना सकते हो, तो वो चेक इट आउट कर लेना आपको अगर बन करे तो। सो यहाँ पे जैसे मैंने ग्लो को ले लिया एंड अब ग्लो को मैंने अपने कैरेक्टर के पीछे डाल दिया एंड अब मेरे को जस्ट उसका ह्यू चेंज करना है, बिकॉज वो ग्रीन तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, बिकॉज हमारा नीचे का जगह ही ग्रीन है यार। तो इसको मैंने देखो ऑरेंज टाइप लिया एंड अब मैंने इसको कैरेक्टर के पीछे डाल दिया। देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब देखो आप देखो हमारा कैरेक्टर उभर के आ रहा है यार, मतलब जिसको बोलते हैं, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो इसको जस्ट थोड़ा आपको अलाइनमेंट करना पड़ेगा, वो आपको अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा, बिकॉज यार आपको उतना तो खुद रखना ही पड़ेगा अभी के टाइम पे, सब कुछ एकदम देख के नहीं होगा, आपको अपने हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे स्पाइक को मैंने पीछे रख दिया एंड अभी हमारा जो थंबनेल है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है, बट यहाँ पे अभी मेन दो तीन चीज़ें हमें उसको करना पड़ेगा। इसके बाद हमें इसको ना थोड़ा कलर करेक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज अभी कलर सब सही है बट ना इसमें थोड़ा सा और ना क्लैरिटी बढ़ानी पड़ेगी इस कलर की। तो देखो हमारा सब हो गया डन, अब मैं इसको यहाँ से करूँगा सेव एंड अभी मैं जाऊँगा यहाँ पे इसमें एडजस्टमेंट में टूल्स के अंदर एंड इसको मैं करूँगा थोड़ा कलर, मतलब इसके कलर इन्हेंस करूँगा। तो यहाँ पे क्लैरिटी थोड़ी बढ़ा दो आप एंड अब इसकी थोड़ी सी आप जाके कॉन्ट्रास्ट हाई कर दो, कॉन्ट्रास्ट से थोड़ा सा ये मतलब ज़्यादा शाइन करेगा एंड इसका जो हमारे को मतलब ह्यू है ना, ह्यू भी आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब ह्यू नहीं सॉरी सैचुरेशन करना पड़ेगा। सैचुरेशन करने के बाद एक कलर अच्छा दिखेगा, अभी डल था ये पहले एंड अभी देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो अब जस्ट इसको आपको सेव करना है एंड हमारा थंबनेल बनके रेडी है स्मार्टी पाई के जैसा, वो भी काफ़ी जल्दी यार। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड इस वीडियो से आपको जरा सी भी हेल्प अगर हुई है तो मेरे को आप कमेंट में बताओ एंड कुछ भी मैंने मिस्टेक किया, कुछ सजेशन देना चाहते हो मेरे को प्लीज़ कमेंट में आके बता के जाओ ताकि मैं भी इंप्रूव कर पाऊँ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आपका मन करे तो, अगर आगे भी आपको ऐसी चीज़ें चाहिए तो। एंड जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की यहाँ पे थंबनेल बनाते वक्त वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके इजिली डाउनलोड कर सकते हो। कुछ दिन पहले मैंने गेमर फ्लीट के जैसे भी थंबनेल बनाना सिखाया एंड वो भी आपको अगर देखना है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, नहीं तो अभी आएगा आप वहां से भी देख सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, पीस।